नानी दो दिन से अपनी मामा के साथ अपनी नानों के घर आई हुई थी, लेकिन आज वो वापस जाने वाले थे। बेटा, हमें बहुत देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। बेटा, इस पोटली में लड्डू है, अगर रास्ते में गुड़िया को भूख लगी तो उसे ये लड्डू दे देना। नानो, आप ही हमसे मिलने जरूर आना। बेटा, कुछ दिनों तक नानो भी आपसे मिलने जरूर आएगी। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा उड़ती हैं। हवा तेज चल रही थी। जल्द ही आसमान पर गहरे काले बादल छा जा रहे हैं। हवा और भी तेज हो जाती है। रानी चिड़िया और उसकी मम्मा हवा से लड़ती हुई तेज उड़ रही थी। जब वो घने जंगल में पहुंचती है तो बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। मम्मा, अब हम घर कैसे जाएंगे? बेटी, हम इस तेज बारिश में उड़ नहीं सकते। आगे का सफर हम बारिश रुकने के बाद ही करेंगे। वो इधर उधर देखती है। उन्हें एक पेड़ पर एक घर नजर आता है। रानी बेटी, हम चलकर देखते हैं ये घर किस पक्षी का है। जब तक बारिश नहीं रुकती, हम इसी घर में रह लेते हैं। फिर वो माँ बेटी उसी घर की तरफ जाते हैं। मम्मा चिड़िया घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से एक कौवा बाहर आता है। जी बताइए, क्या काम है आपको? मैं पहाड़ों वाले जंगल जा रही थी कि रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मैं और मेरी बेटी इस तेज बारिश में उड़ नहीं सकी। क्या हम कुछ देर आगे घर रह ले? जी जी चिड़िया, जरूर। आप प्लीज मेरे घर के अंदर आए। फिर कालू कौवा उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है। ये आपकी बेटी है क्या? जी कौवे भैया, ये मेरी बेटी है। मेरा नाम गुड़िया है। मैं आपको चाय पिलाता, लेकिन मेरी बीवी अपने मैके गई हुई है, मुझे चाय बनानी नहीं आती। मेरे पास मीठे लड्डू है, अगर आ कहीं तो मैं चाय बनाती हूँ। हम चाय के साथ लड्डू खाएंगी। रसोई में दूध भी है और चाय बनाने का सामान भी। अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर चाय बना सकती हैं। फिर मम्मा चिड़िया रसोई में चाय बनाने चली जाती है। रानी बेटी, आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? मुझे बरसात का मौसम बहुत पसंद है, लेकिन आज तो हम घर जा रहे थे, रास्ते में बरसात होने लगी, इसलिए आज मुझे बरसात बिल्कुल पसंद नहीं आई। रानी बेटी, आप इसे भी अपना ही घर समझिए, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया भी चाय लेकर आ जाती है। रानी पोटली से लड्डू निकालती है। मुझे लड्डू बहुत पसंद है। तो फिर आप खाइए, ये लड्डू मेरी माँ ने हमें साथ ले जाने के लिए दिए थे। फिर वो सब चाय के साथ लड्डू खाते हैं। कवि भैया, आपके घर में आपके साथ और कौन कौन है? चिड़िया, अभी तो मैं और मेरी पत्नी ही होते हैं। मेरा एक जवान बेटा भी था, लेकिन वो मर गया। कवि भैया, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। जवान बेटा मर जाए तो जीना बहुत मुश्किल लगता है। चिड़िया, मैं बहुत बुरा था, मैंने अच्छे काम नहीं किए। लगता है मुझे मेरे बुरे कर्मों की ही सजा मिली है। कैसे मरा था आगा बेटा? चिड़िया, मेरे पास सब कुछ था, प्यार करने वाली पत्नी और संतान भी, लेकिन मैं फिर भी लड़ाइयाँ करता और चोरियाँ करता। एक रात मैं चील के घर चोरी करने गया तो अपने बेटे को भी साथ ले गया, और फिर मेरा बेटा। कवि भैया, आपने खुद को बदला। बुराई को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर आना बहुत मुश्किल काम है, पर आपने ऐसा किया। अब आप इतनी सारी बातें भूल जाएं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। रात हो गई थी, लेकिन बारिश तो अभी भी बहुत तेज थी। बारिश बहुत तेज है, आप आज की रात मेरे घर पर ही रुक जाएं, कल सुबह आप चली जाना। कवि, आपने मेरी बहुत मदद की, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी।